प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में मैथमेटिक्स सेक्शन में आज हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, नंबर ग्रुप्स। ये हैकर रैंक की प्रॉब्लम है और आइए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ते हैं। सो द पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एस 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड आर ग्रुप्ड एस 1 देन 3, 5 देन 7, 9, 11 देन 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो ग्रुप हम बना रहे हैं उसमें एक नंबर है, दूसरे ग्रुप में दो नंबर्स हैं, तीसरे ग्रुप में तीन नंबर है, चौथे ग्रुप में चार नंबर है एंड सो ऑन सो फोर्थ। दस द फर्स्ट ग्रुप इज 1 एंड सेकेंड ग्रुप इज 3, 5 एंड द थर्ड ग्रुप इज 7, 9, 11। इसी तरह से हमें जो kth ग्रुप है उसमें k एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे क्या करना है कि वो जो kth ग्रुप है उसका सम फाइंड करना है। सो गिवन k, फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ kth ग्रुप। ओके, तो अगर k की वैल्यू 3 गिवन है तो हमें थर्ड ग्रुप का सम रिटर्न करना है। अगर आप एक पैटर्न देखें इसमें जो फॉलो हो रहा है, तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट ग्रुप का सम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में केवल 1 है तो उसका जो सम आएगा वो 1 आएगा। जो सेकंड ग्रुप है उसमें 3 और 5 है, सो 3 प्लस 5 करेंगे आप 8 आएगा। जो थर्ड ग्रुप है उसमें 7 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे तो वो 27 आएगा। और जो फोर्थ ग्रुप गिवन है उसको अगर आप सम करेंगे, सो 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 17 इज 45 और 45 प्लस 19 इज 64। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 क्यूब हम इसको कह सकते हैं, इसको 2 क्यूब कह सकते हैं, इसको 3 क्यूब कह सकते हैं और इसको 4 क्यूब कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो kth ग्रुप होगा उसका जो आंसर होगा या जो उसका सम होगा वो k क्यूब होना चाहिए। तो आइए इसको हम ऐसा ही करके सबमिट करके देखते हैं। मेरे पास सम ऑफ ग्रुप्स गिवन है, ये लॉन्ग वैल्यू होगी क्योंकि के बहुत ही बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि जो के इंटीजर है इसको हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक कैपिटल के को स्मॉल के में, कैपिटल के लॉन्ग डिक्लेयर करते हैं और इंटीजर के को उसमें स्टोर करा लेते हैं। देन हम रिटर्न करा देते हैं कैपिटल के मल्टीप्लाइड विद कैपिटल के मल्टीप्लाइड विद कैपिटल के, यही हमारा के क्यूब होगा। रन करके देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। यस, हमारे सारे के सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो उसमें पास हो गए। इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन के बारे में सही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कम अगेन विद अ न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट।